इस्लाम पैसा कमाने से आपको नहीं रोकता। आप जितना चाहे पैसा कमाएं, लेकिन पैसा हलाल और जायज तरीके से होना चाहिए। इस्लाम इस चीज की हौसला शिकनी करता है कि आप दुनिया के पीछे इतना भागें कि दीन को और अपने मजहब को पूरी तरह से फरामोश कर दें। इस्लाम इस बात की हौसला शिकनी करता है, इस्लाम इस बात की मजम्मत बयान करता है कि आप माल कमाने के चक्कर में हलाल और हराम की तमीज भूल जाएं। आप अपनी जिंदगी को संवारने के चक्कर में ये बिल्कुल भूल जाएं कि मैं जो पैसा कमा रहा हूं वो हलाल वसाइल से आ रहा है या हराम वसाइल से आ रहा है। इस्लाम इस बात की हौसला शिकनी करता है और इस बात की मजम्मत करता है। वरना अगर आप जायज तरीके से पैसा कमाते हैं, जितना चाहे कमाएं, खुद भी खाएं, खुद भी आराम से रहें, गरीबों को भी आराम सुकून पहुंचाएं, अल्लाह की राह में सदका और खैरात करें, इस्लाम आपकी तारीफ करता है और ऐसा माल कमाने वाला बेहतरीन इंसान है कि अल्लाह ने उसको दौलत दी और उस दौलत को वो अल्लाह की राह में लगाता है, वो इंसान रश्क के लायक है। तो इस्लाम पैसा कमाने पर पाबंदी नहीं लगाता, लेकिन वो पैसा हलाल और जायज तरीकों से होना चाहिए। तो बहरहाल हम जायज तरीके से जितना चाहे पैसा कमाएं, लेकिन मौत को कभी भी फरामोश न करें, मौत को कभी भी न भूलें, क्योंकि नाज़रीन मौत ये ऐसी अटल हकीकत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।